हेलो फ्रेंड्स, प्रभा की फुलवारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही खूबसूरत पौधे की बात कर रहे हैं और उसका नाम है कोलियस। कोलियस एक सदाबहार पौधा है जो साल भर हरा भरा रहता है और बहुत सुंदर सुंदर रंगों में पाया जाता है। इसको हम इसकी खूबसूरत पत्तियों के लिए लगाते हैं, खूबसूरत रंगों के लिए लगाते हैं। इसमें फूल आते हैं पर बहुत छोटे छोटे आते हैं और इस कोलियस के पौधे को हम फूलों के लिए नहीं, इसकी पत्तियों की खूबसूरती की वजह से लगाते हैं। देखिए, ये ग्रीन और मैरून कलर का या ब्राउन कलर का शेड है, बहुत खूबसूरत लग रहा है इस तरह से। ये पौधा बहुत सारे रंगों में ये पौधा पाया जाता है और इसके सारे रंग बेहद खूबसूरत होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन बेहद खूबसूरत होता है। जैसे इस पौधे को आप देख रहे हैं दोस्तों, हवा बहुत ज़्यादा है इसलिए वीडियो बनाने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। देख रहे पौधा किस तरह से हिल रहा है। इस कोलियस के पौधे की केयर बहुत आसान है, जनरल मिट्टी इसको चाहिए, 40-30-30 का रेशियो रख सकते हैं। इसमें 40% मिट्टी, 30% बालू और 30% कोई भी कंपोस्ट आप मिला लें। इस पौधे को बहुत ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं है, 2-3-4 महीने में, मतलब पूरे साल भर में आप 3 बार इसको खाद दें, एक बार बरसात के बाद, एक बार जाड़े के बाद फरवरी के महीने में और बीच में, उसी में ये पौधा बहुत अच्छी तरह चलेगा। धूप की बात करें दोस्तों, तो इसको पूरे दिन की धूप कभी नहीं चाहिए, गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे जगह रखें जहां बहुत अच्छी ब्राइट लाइट मिलती हो, उसमें ये पौधा बहुत अच्छा चलता है। या एक से दो घंटे की सुबह की धूप मिल जाए और उसके बाद पूरे दिन शेड रहे, तब ये पौधा बहुत अच्छी तरह चलता है। पानी की बात करें दोस्तों, तो पानी इस पौधे को लगभग रोज चाहिए। जाड़े में ये पौधा थोड़ा डल होता है लेकिन फरवरी का अंत आते आते ये पौधा अपनी नई नई पत्तियां निकालने लगता है और बहुत खूबसूरत होने लगता है। पूरे समय ये पौधा पूरे साल भर, दिसंबर जनवरी के महीने के छोड़कर, पूरे समय ये पौधा इस तरह से हरा भरा बना रहता है। अब मैं इसके कुछ रंग आपको दिखाती हूँ जो बेहद खूबसूरत हैं। ये कोलियस की दूसरी वैरायटी है, पत्ते उसी तरह से हैं पर उसमें ग्रीन ज़्यादा था और इसमें ब्राउन और डार्क मैरून का इस तरह से शेड है। ये एक अलग तरह का कोलियस का पौधा है, डार्क मैरून, और कितनी खूबसूरत लग रही हैं इसकी पत्तियाँ। दोस्तों, इस पौधे में फूल की क्या ज़रूरत है, पत्तियाँ ही इतनी खूबसूरत हैं। दोस्तों, कोलियस के पौधे में एक और बात ध्यान रखने की है कि इसे इंडोर कभी मत रखें और पूरी तरह शेड में कभी नहीं रखें। लाइट कम मिलने से ये पत्तियों का कलर धीरे धीरे जाने लगता है और
इनकी पत्तियां पूरी तरह ग्रीन होने लगती हैं, जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसे जब भी रखें ब्राइट लाइट और ऐसी जगह पर जहां एक दो घंटे की धूप लग जाए। दोस्तों, ये कोलियस के केयर की बातें थी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए पौधे के साथ। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बाय फ्रेंड्स।